इसमें बोल रहा है मिस्टर सेन इज द ओनर ऑफ थ्री हाउसेस, ही फर्निश्ड बिलो द पर्टिकुलर्स ऑफ दीज हाउसेस, हाउस 1, 2, 3। वन है लेट आउट फॉर रेसिडेंस, मतलब वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, हम लोग उसमें खुद रहते हैं। जो हाउस 2 है वो सेल्फ ऑक्यूपाइड फॉर रेसिडेंस ऑफ 8 मंथ्स एंड लेट आउट फॉर 4 मंथ्स। जो हाउस 2 है उसमें हम लोग सेल्फ ऑक्यूपाई करके रखे हैं 8 मंथ्स और लेट आउट करके रखे हैं 4 मंथ्स। और जो हाउस 3 है वो 3/4 यूज कर रहे हैं खुद के बिजनेस के लिए और 1/4 यूज कर रहे हैं टेनेंट के रेसिडेंस के लिए। तो जो 3/4 ओन बिजनेस के लिए कर रहे हैं वो पीजीपीपी में जाता है, उसका इस चैप्टर में कोई कवरेज नहीं है, तो उस पोर्शन को हम लोग इग्नोर कर देंगे। सिर्फ 1/4 पोर्शन जो जिसमें टेनेंट रह रहा है, मतलब जो लेट आउट किए हैं 1/4 पोर्शन, उसको लेके ही सम करेंगे। तो पहले हम लोग 3 कॉलम कर लेंगे। इसमें हम लोग को म्यूनिसिपल वैल्यू दिया है तीनों का, मतलब 24,000 पहले वाले में तो पूरा लिखेंगे, पर दूसरे वाले में जो 18,000 है उसमें भी पूरा लिखेंगे। हम लोग कब लेट आउट और सेल्फ ऑक्यूपाइड में सेल्फ ऑक्यूपाइड को इग्नोर कर देते हैं, जब हम लोग सेल्फ ऑक्यूपाइड तो इग्नोर होगा ये क्लियर है, पर म्यूनिसिपल वैल्यू को कब आधा आधा करते हैं, जब फ्लोर बेसिस पे डिविजन होता है, जब दो घर की तरह ट्रीट करते हैं। महीने पे अगर डिवीजन है तो म्यूनिसिपल वैल्यू पूरा लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर है नाइन, यहाँ पे 3/4 और 1/4 है, मतलब यहाँ पे जगह को लेकर है। 3/4 पोर्शन हम लोग बिजनेस के लिए यूज करते हैं, 1/4 पोर्शन हम लोग लेट आउट किए हैं। तो जहाँ पे पोर्शन मतलब एरिया का डिवीजन हो जाएगा वहां म्यूनिसिपल वैल्यू का डिवीजन होगा और सारी चीजों का डिवीजन होगा। इसमें अब हम लोगों के पास फेयर रेंट भी नहीं है और स्टैंडर्ड रेंट भी नहीं है, तो यही एक्सपेक्टेड रेंट है। उसके बाद हम लोग को दिया है रेंट रिसीव्ड। रेंट रिसीव्ड का मतलब होता है एक्चुअल रेंट, पर और आगे देख लेते हैं। म्यूनिसिपल टैक्स इज असेस्ड एट 10% ऑफ द म्यूनिसिपल वैल्यू। इन केस ऑफ हाउस 1, 50% ऑफ सच टैक्स इज पेड बाय टेनेंट। म्यूनिसिपल टैक्स फॉर अदर हाउसेज आर पेड बाय द ओनर। हिज टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस विदाउट मेकिंग एनी एडजस्टमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ थ्री हाउस 3 इज 57,500। ही हैज क्लेम्ड अ डिडक्शन ऑफ अकाउंट ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट 7,500 इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस नंबर 1 रिलेटिंग टू 10, 11 एंड 11, 12। तो बेसिकली इसमें एक्चुअल रेंट यही है जो दिया हुआ है। एक्चुअल रेंट इसमें कितना है, देखो रेंट रिसीव्ड पर एनम नहीं लिखा है, तो ये एक्चुअल रेंट ही है। अब ये एक्चुअल रेंट है पर वैकेंसी नहीं है, अनरियलाइज्ड रेंट है पर ये 10, 11 और 11, 12 का है, इस साल का ये नहीं है, तो बेसिकली इस साल से इसको लेस नहीं करेंगे।
उसके बाद हम लोग का है म्यूनिसिपल टैक्स पेड। म्यूनिसिपल टैक्स पेड हम लोग का बोल रहा है 10% लो म्यूनिसिपल वैल्यू का। तो पहला वाला जो घर है उसका म्यूनिसिपल वैल्यू है 24,000, उसका 10% होगा 2,400। पर 50% टेनेंट पे किया है, तो 50% जो ओनर पे करता है वही लेस करने मिलता है, मतलब 1,200। ट्वेंटी फोर थाउजेंड का 10% 2,400, और उसका 50% ही ओनर पे किया है इसलिए 1,200 लिख रहा है। म्यूनिसिपल टैक्स फॉर अदर हाउसेज आर पेड बाय द ओनर। बाकी जो बाकी दोनों घर है उसका पूरा म्यूनिसिपल टैक्स ओनर ही पे कर रहा है। तो दूसरे वाले का है 18,000, 18,000 का 10% 1,800। और तीसरे वाले घर का है 6,000, 6,000 का 10% 600। फोर्टी 800 का 10% 480। अब हम लोग को यहाँ पर लेना है इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन का क्या क्लियरली दे दिया है 3,600, 2,400 और 3,500। और इंटरेस्ट को लेकर हम लोगों को कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं है। तो पहले घर में लिख दो 3,600, दूसरे घर में 2,400, पर जो तीसरा घर है 3,500 उसका 1/4 ही सिर्फ लेस होगा। मैम 1,2,3,6,0